तो सबसे पहले आपने लिखा था बच्चों टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वैल्यू इन कैश कॉलम हाउ मच 400 और बैंक का ओवरड्राफ्ट था, था बच्चों तो इट इज बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच 1000 चलिए देयर आफ्टर इट थाउजेंड रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स तो यू मस्ट हैव रिटन ऑन द डेबिट साइड टू सेल्स 600 एंड देन वी हैव रिसीव्ड अ चेक ऑफ 150 फ्रॉम ए बशीर कहीं कई है बच्चों कि ये तुरंत बैंक में गया नो no. तो सब बच्चे एक फ्री हैंड जर्नल एंट्री करें कैश अकाउंट डेबिट टू ए बशीर कुछ बच्चों ने अगर चेक इन हैंड टू ए बशीर लिखा तो एडिट करेंगे तो वील मेक इट टू ए बशीर इन कैश कॉलम वैल्यू इज वन फिफ्टी यहां पर एक स्टोरी में टू है मैं आपको बता देता हूं ध्यान दीजिएगा बच्चों कंटेंट क्या लिखा है रिसीव्ड अ चेक लिखा है या रिसीव्ड अ चेक उंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए बशीर लिखा है लेना तो मतलब था दस रुपए का डिस्काउंट हो गया ए बशीर साहब ने चेक कितने का दिया वन फोर्टी बट यहां साफ साफ लिखा है कि चेक पे वैल्यू क्या मैं वन फिफ्टी तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा फंसिएगा मत आप लोग ओके okay? एम डिस्काउंट दिया है Sorry, हमने इसको discount दिया है और इसने चेक से payment किया. Is it mentioned कि ये चेक बैंक में गया चलन? No. तो यहां पे मैं entry को थोड़ा सा आपके लिए ब्रॉड कर देता हूँ इट इज कैश अकाउंट डेबिट 150 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10 टू ए बशीर कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 160. हमारी कैशबुक में कौन से दो कॉलम सिर्फ आपको नजर आ रहे बच्चों कैश और बैंक बट यहाँ पे एक बदमाश कंपनी चली आई किसकी डिस्काउंट की तो ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा है कहाँ रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में इज दैट क्लियर सर वहां एंट्री क्या करेंगे वहां पे आप एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड टू ए बशीर टेन रुपीज समझे बातों को चलिए एम अली ने भी हमको चेक दिया बट इट इज नॉट सेंट टू बैंक डरने की जरूरत नहीं है पुलिस नहीं आ रही है सो so, यहां पर वन एटी लिखेंगे बच्चों यहां थर्टी लिखेंगे और यहां टू हंड्रेड एंड टेन सो हेयर वील मैं टू एम अली वन हंड्रेड एंड एटी पेड टू क्रेटर एम यूसुफ सो वील बी पुटिंग बाय एम यूसुफ कितने का चेक दिया हमने इसको बच्चों फोर ट्वेंटी फाइव का पेड द चेक्स यहाँ पे पेड शब्द का मतलब है डिपोजिटेड आई रिपीट चलन हेयर द वर्ड पेड मीन वॉट डिपोजिटेड ये कौन से चेक हैं जिनकी बात हो रही है बच्चों एक वन फिफ्टी का बशीर से मिला था और वन एट्टी का किससे मिला क्या अब यहां पे आपने गलती कर दी है क्या गलती कर दी है ध्यान दीजिएगा एम एल अली सेटल्ड हिज अकाउंट क्या लिखा है एम अली सेटल्ड अकाउंट कुल अली से पैसे कितने लेने थे वन एट्टी तीस रुपए डिस्काउंट काट के उसने आपको चेक दिया है तो भाई इसका चेक कितने का रहा होगा वन फिफ्टी वही जो बात मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी बता रहा था आफ्टर डिस्काउंट तो आपका चेक वन फिफ्टी का बनेगा क्योंकि अमाउंट यू वन एट्टी था आफ्टर डिस्काउंट ऑफ थर्टी रुपी कितने का चेक हो जाएगा भाई वन फिफ्टी का ही तो हो जाएगा हिज अकाउंट ऑफ वन एट्टी आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट थर्टी तो एक सौ अस्सी तो कुल लेना था उससे उसमें से तीस कट गया तो कितना मिला वन फिफ्टी इज दैट क्लियर समझना क्या आपको जुकाम हुआ खांसी लगने के बाद मतलब खांसी से जुकाम हुआ है आपको खांसी लगी जुकाम होने के बाद मतलब जुकाम से खांसी लगी है इज दैट क्लियर दवाई लेंगे तो एक हफ्ते में जाएगी नहीं लेंगे तो सात दिन में चला जाएगा चलिए ये दोनों चेक आपने बैंक में जमा करा दिए एंट्री क्या होगी बैंक में कैश जमा कराने की क्योंकि इन चेक्स को आपने क्या माना था कैश तो यहाँ लिखेंगे टू कैश इन बैंक कॉलम और यहां लिखेंगे बाय बैंक इन कैश कॉलम फोलियो कॉलम में कुछ स्पेसिफिक लिखेंगे बच्चों सी सी मतलब चोर कॉन्ट्रा एंट्री पेड वेजेस तो वील बी पुटिंग बायेज अकाउंट इन कैश कॉलम टू हंड्रेड एंड टेन तो चेक का क्लैरिफिकेशन सबको मिल गया ताकि सबका सोलूशन स्टैंडर्डाइज हो तो आई यूज दिस वीटो फार पैसा आपने ड्रॉ किया बिजनेस से सौ रुपए तो इंट्रीज ड्रॉइंग टू कैश आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों थर्टी को क्या लिखा है ट्रू फ्रॉम बैंक सबसे पहले तो आप मेरे को इसकी जर्नल एंट्री बता दें ड्यू फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक सबको ये बात समझ में आ रही है रेजिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट टू द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट आपके पास कितने रुपए की लिमिट थी 1500 कितना आप ऑलरेडी बैंक से ले चुके हैं 1000 और कितना लेंगे 500, 500. जर्नल एंट्री क्या नजर आ रही है सब बच्चों को इस पैसे को बैंक से निकालने की कुछ भी नहीं नजर आ रही कैश टू बैंक तो आप भाई कैश में क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बच्चों जरूर लिखिएगा सिर्फ नेचुरल पर्सनल के सामने अकाउंट ना लिखें तो चल जाएगा सो so बच्चों अगर जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक तो आप पहले इसको कैश अकाउंट समझेंगे और आप पोस्टिंग क्या करेंगे टू बैंक फिर आप इसे बैंक अकाउंट समझेंगे और पोस्टिंग क्या करेंगे बाय कैश कोइंसिडेंस इंसिडेंस है बच्चों की सेम लाइन पे आ रहा है ये जरूरी नहीं है यहां yes, तक अपडेट कर लीजिए कोई क्वेरी है तो प्लीज आज चलिए बच्चों सुपर धमाकेदार एडजस्टमेंट है ये तो सुपर धमाकेदार है इसके आगे वाला सुपर डुपर धमाकेदार और मैं चैलेंज कर सकता हूं अगले क्वेश्चन में लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो शायद ही किसी किताब में आपको नजर आए पहले तो इस एडजस्टमेंट का मतलब समझिए ये एडजस्टमेंट कह रहा है पेड कैश मतलब कैश गया कहा गया बैंक में तो भाई जर्नल एंट्री सब लोग मेरे को बता सकते हैं क्या होती है अकाउंट तो यहां पे बच्चों लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट और यहां क्या लिखेंगे सॉरी थोड़ी सी जगह मेरे को चाहिए होगी तो मैं थोड़ी कंजूसी से लिख रहा हूं क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट इतना समझ में क्या आपके घर में पूरे महीने में दो लाख रुपए आए और अस्सी हजार रुपए गए थ्रू आउट द मंथ इन योर फैमिली एट योर होम यू पीपल रिसीव्ड टू लैक एंड पेड एट्टी मंथ एंड में आपने मम्मी से पूछा क्या करें जो पैसा बचा है मम्मी कह रही है दस हजार रुपए घर में रखो और बाकी सौरभ सर को दे आओ. वाह 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 अच्छा बाकी बैंक में दे आओ हाँ सर अब ठीक है कितना पैसा बैंक में जमा हुआ सोच के बताइए दो लाख रुपए आपके घर में महीने भर में आए और एट्टी थाउजेंड चले गए यू आस्ट योर मम्मी व्हाट टू डू नाउ मम्मी सेड दस हजार रुपए छोड़ के बाकी बैंक में जमा कराओ तो भाई टू लाख ,00 आया और एट्टी गया तो आपके पास है कितने अवेलेबल कितना है वेरी गुड एंड मम्मी सेइंग कीपिंग ten thousand एट होम प्लीज गिव द रिमेनिंग into बैंक तो कितना पैसा बैंक में जाएगा 110. वही चीज पे भी है पांच सौ रुपए के ऊपर जितना भी बचा कहां रख दो बैंक में कहां रख दो बैंक में. तो सर सीधे सीधे ये लिख के नहीं दे सकते डिपोजिट कैश इंटू बैंक दे सकते हैं सीधा सीधा कर देंगे तो दिमाग कहां से चलेगा दिमाग भी तो चलवाना है दिमाग भी तो चलवाना है ये तो वही बात हो गई कि सर टंकी में पानी भरेगा हम नहाएंगे बाहर नाली में पानी जाएगा हम में बैठ पाते हैं <laughs> अल्टीमेटली तो पानी वहीं पे आना है ओके okay, तो ऐसा नहीं है तो आपको दिमाग चलवाना है इसलिए 500 तो भाई पहले पता तो लगा लें कि हमारे पास कैश है कितना तैयार है सुनने को दिस इज the cash that we have received the children yes or no bacho. 400 plus 600 is what 1000 plus 150 is what 1150 1, plus 150 is what 1300 plus 500 is what 1800 rupees aapke paas in all receive hue hai. any clarification needed on this no how much have you paid during the month children सिक्स हंड्रेड एंड टेन रुपी हाउ मच मनी आर वी लेफ्ट विद चिल्ड्रन इलेवन नाइंटी कितने पैसे हमारे पास बच गए भाई आंसर इज इलेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी वील कीप और उसके ऊपर बैंक में जमा कराना है फाइव हंड्रेड तो भाई ग्यारह सौ नब्बे रुपए बचे 500 रखने अपने पास बाकी बैंक में जमा कराने कितनेड एंड नाइन्टी रुपीज कितने बच्चों सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज ये कैलकुलेशन समझ में आया बट बच्चे कहेंगे सर एक दो तीन तीन लाइनें वेस्ट हो रही हैं। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा सर बहुत पेड़ काटने पड़ेंगे पेज बनाने के लिए और उसमें ये लिखने के लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है धमाका करने जा रहा हूं बिल्कुल परेशान मत होइए कितना भयंकर धमाका होगा आप कहेंगे वाह सर हम उस देश के वासी हैं जहां विजय माल्या जैसे फ्रॉड रहते हैं क्लियर तो अभी यहां पे आपको एक फ्रॉड स्किल सिखाएंगे ये ग्यारहवीं के बाद बारहवीं में भी काम आएगा बच्चों तो फिर से समझ लीजिए पेड कैश इन एक्सेस ऑफ फाइव हंड्रेड बैंक पांच रुपए छोड़ के बाकी पूरा पैसा बैंक में जमा करा दीजिए हाउ मच मनी डेड वी रिसीव चिल्ड्रेन एटीन हंड्रेड How much money did we pay during the month? Six ninety. Available how much with us? Eleven ninety. कितना रखना है अपने पास फाइव हंड्रेड तो कितना बैंक में जमा होगा सबको एंट्री समझ में आ गई वैल्यू समझ में आ गई वेरी गुड एक्सलेंट चले बैलेंस करना स्टार्ट करें बच्चों टोटल कर लीजिए इन सबको फोर हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड इज बॉट वन थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड इज बॉट थर्टीन हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इज बॉट 1800 हंड्रेड प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर 2490 आएगा बच्चों नहीं yes. आएगा इज वॉट ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड आएगा 1300 रुपीस आएगा मेरे को लग रहा है आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी की है अच्छा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लोग भूल गए पुरानी बातें इससे पता लगता है कि होमवर्क नहीं किया गया है ये वैल्यू बच्चों बैंक में जाएगी कैश में जाएगी कहां जाएगी हाँ वही मैंने कहा कि गलत लिखा है लोग इतना सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये तो यहीं पे रहेगा दिस वैल्यू विल गो इन बैंक वाई दिस वैल्यू विल गो इन बैंक जर्नल एंट्री क्या भाई बैंक टू कैश तो टू कैश बैंक कॉलम में लिखेंगे ना आप कैश में थोड़ा लिख देंगे चलिये. अब बताइए टोटल क्या आएगा अब बताइए टोटल क्या आएगा एटीन हंड्रेड करेक्ट करेक्ट बच्चों yes, कभी कभी टीचर भी खेलने लग जाता है सो थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड टेन इज वॉट फाइव हंड्रेड टेन प्लस हंड्रेड इज सिक्स हंड्रेड टेन प्लस सिक्स नाइनटी इज वॉट थर्टीन हंड्रेड और टोटल कितना था यहाँ पे एटीन हंड्रेड कितना डिफरेंस आएगा 500. और बच्चों ये फाइव हंड्रेड वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में आपको लिख के दी गई थी सर मतलब हमको आंसर पहले से पता होगा यस yes. आपको ये बात क्लियर होगी कि अल्टीमेटली आपका बैलेंस कितना आना चाहिए वही जो क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि इसका मतलब ही वही है कि भाई इतना रोकना है तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा कितना फाइव हंड्रेड ही बचेगा समझ में आ गई बात पक्का अब एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको जिसमें आपको ये बवंडर भरा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा सर so, तो आंसर कैसे आएगा एकदम करेक्ट आंसर आएगा चलिए बैंक बैलेंस भी टोटल कर लें टोटल ऑन द डेबिट इज हाउ मच चिल्ड्रन नाइन नाइनटी थोड़ा सा मेरे को एडिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डेबिट साइड में थोड़ी सी जगह चाहिए चलिए एडिटिंग कर लेते हैं इट्स टू कैश अकाउंट हाँ चलिए बच्चों सो डेबिट टोटल इज नाइन नाइनटी क्रेडिट इज हाउ मच चिल्ड्रेन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव विच साइड इज शॉर्ट सो नाइन नाइनटी डेबिट में टोटल आ रहा है बच्चों और क्रेडिट कितना था नाइन नाइनटी तो आपका डेबिट साइड पे शॉर्ट आएगा हाउ मच नाइन थर्टी फाइव एंड वील पुट हेयर वट चिल्ड्रन टू बैलेंस कैरेट डाउन कैरेट डाउन अगर डेबिट में है तो ब्रॉडडाउन कहा अगर कैरेट डाउन डेबिट में है तो ब्रॉडडाउन किधर आएगा भाई डेबिट साइट डेबिट साइट में आ जाएगा कैरेट डाउन डेबिट में है तो ब्रॉडडाउन कहाँ आएगाट है तो ब्रॉड डाउन डेबिट तो दोनों तरफ ब्रॉड डाउन आ गया जब एंट्री दोनों तरफ हो तो वी कॉल इट एज कॉन्ट्रा जब ब्रॉडडाउन दोनों साइड हो बच्चों तो आप उसे क्या नाम देंगे कॉन्ट्रा बैलेंस क्या नाम देंगे भाई बैलेंस समझ में आ गई कहानी छत पर अपडेट करें कोई क्वेरी है तो आस्क चिल्ड्रन लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रिक कैसे बैलेंस करना है तैयार है सब लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पुराने जमाने की ओर ले जाते हैं कौन से जमाने की ओर कौन से जमाने की ओर पुराने जमाने की ओर आप फील करिए कि आपने इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग अभी की ही नहीं है सिर्फ आपने ट्रांजेक्शन किए हैं वॉट इज द लास्ट जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो बच्चों यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट वैल्यू इन द बैंक कॉलम और यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट वैल्यू इन द कैश कॉलम यहां तक समझ में आ गया यहां तक समझ में आ गया ऐसा कोई कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है आपने कहावत सुनी होगी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा तो जो कर्म इधर किया था उसने ये फाइव हंड्रेड का फल दिया था थोड़ा सा कहावत को चेंज कर देते हैं वट जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो नॉट गेटिंग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा तो भैया जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो एक चीज आपको क्लियर हो गई पिछले पंद्रह मिनट में कि भाई आंसर अल्टीमेटली कैरेट डाउन का क्या आएगा 500 जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो भैया आंख बंद करिए और बोलिए जय माता दी और यहां पे लिख लीजिए कैश कॉलम में बाय बैलेंस कैरेट डाउन हाउ मच 500 सर ये कैसे मतलब इसको बोलते हैं अकाउंटिंग में चुलबुल पांडे होना आई अकाउंटिंग में चुलबुल पांडे होना मेरे को दी थी। सर, sure कि यही आएगा पिछले सत्रह मिनट में क्या मैं अंडे दे रहा था बैठ के क्लास आंसर तो यही आया था ना तो सर अब वैल्यू कहां से आएगी वो छह सौ नब्बे आएगी मन में विश्वास पूरी होगी आस समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं तो खाएंगे घास डेबिट का टोटल कितना है क्योंकि डेबिट में तो और कुछ कैश में वाना नहीं है वॉट इज द टोटल चिल्ड्रेन एटीन हंड्रेड इज इन सब को लेकर टोटल कितना आएगा आई रिपीट इन सब को लेकर थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड टेन प्लस हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड सबको लेकर इलेवन हंड्रेड टेन डेबिट में क्या आ रहा था बच्चों टोटल एटीन इन सब को कितना आ रहा था इलेवन हंड्रेड एंड टेन तो बच्चों दोनों साइड कितना डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी समझ में आ गया एंड एवरीबडी नोस की टोटल तो हमेशा हायर साइड का ही लिखते हैं सो हेयर द टोटल इज एटीन हंड्रेड इंक्लूडिंग दिस बैलेंस इट इज इलेवन हंड्रेड टेन कितना डिफरेंस आ रहा है सिक्स नाइनटी विच साइड इज शॉर्ट क्रेडिट साइड तो कितना ठूस दें कि ये दोनों साइड अग्री हो जाए 690 आप जब ठूस देंगे तो ये टैली हो जाएगा क्या बेटर था लास्ट वर्ड या ये ये बेटर है सर क्योंकि वहां पे पहले एक बार यहां बैलेंस किया फिर आपने इसको लिखा फिर बैलेंसिंग की तो एक ही काम दो दो बार और यहां पे पता है एक सबसे बड़ा फायदा क्या है टीचर देखेगा बैलेंस आ रहा है बच्चे का पांच सौ मारो दहां से छह नंबर आठ नंबर दे दो क्योंकि बैलेंस तो सही है आपने कहा से बैलेंस देख के लिखा था यहां से मेरा भारत मान सौ में निन्यानवे एक ही ईमानदार है आधे आधे हम और आप लॉजिक अंडरस्टूड वेल जी तन्वी जी समझ गई? समझ गई में में आई ऐसा आपको कम से कम तीन से चार सौ क्वेश्चन में करना पड़ेगा पार्टनरशिप चैप्टर में जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे और नहीं तो आठ लाइन का वर्किंग नोट बनता है और अगर वो वर्किंग नोट ना बनाना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं बिना वर्किंग नोड जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बच्चों को बोलता हूँ पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है फिर जब उनको दिखाता हूं, ऐसे लर्न अच्छा हाँ, सर ये तो तो हो हो ही जाएगा समझ में आ बात, समझ में में आ आ गई गई बात बात तो अगली बार नंबर खराब हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है घर जाना है थोड़ा रस्ते में मिट्टी लगा लेना क्या हुआ मम्मी पूछेंगी क्या हुआ दोस्तों ने बहुत मार मारिया बहुत मार मारा क्योंकि हमारा हाईएस्ट आया था हमने पार्टी नहीं दी मम्मी खुश हाईएस्ट कितना आया चौदह नंबर आया था बीस में से 80 में से पेपर 20 नंबर का अटेम्प्ट किए थे पर मम्मी कहेंगी कोई बात नहीं स्ट्राइक रेट 70% है एवरेज जो है वो थोड़ा कम हो गया समझ में आ गई बात भाई होपले में बात गई तो पहले से ही माहौल बनाना पड़ेगा आपको समझ में आ गई बच्चों बात पक्का क्लियरली अंडरस्टूड चलिए तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों सिर्फ लास्ट में मैंने एक अपना एडजस्टमेंट बना दिया और ये एडजस्टमेंट क्या लिखा है पेड कैश इन एक्सेस सेम है इसी से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है बच्चों डिपॉजिटेड कैश ये भी सेम है इसी क्वेश्चन को फिर से आप होमवर्क में करेंगे और मैं इस एडजस्टमेंट का चेंज्ड स्टाइल यहां पे लिख रहा हूं आप इसी क्वेश्चन को फिर से करेंगे होमवर्क में स्टाइल इज गेटिंग चेंज्ड हेयर इट वाज 500 छोड़ के जो बचा वो बैंक में जमा करा दिया अब उल्टा कर दीजिए बैंक में कुछ पैसे छोड़ के जो बचे वो विदड्रॉ कर नहीं समझ में नहीं ऐसा हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो अगर ऐसा स्टाइल आएगा तो कर लेंगे लोग यहां में लिखा कैश में वहां किस कॉलम में लिखेंगे बैंक पैक से। और टेक्निक तो मैंने आपको लिख के दिखाई दी थी यहाँ पे समझ में आ गई बात सुशी जी जी बात समझ गई यस सर एवरीबॉडी अंडरस्टूड चलन पक्का चलिए इसी के साथ डबल कॉलम कैशबुक होती है समाप्त